हेलो एवरीवन, डेली रिक्रूटमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की कुछ रिक्रूटमेंट न्यूज आपके सामने हम लेकर आए हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको अलग अलग तरीके की हमें रिक्रूटमेंट न्यूज देखने को मिलेगी। सो प्लीज अटेंशन रखें, जिनको पोस्टिस की जरूरत है, जिनको जॉब की जरूरत है, वो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जो हमारे रिक्रूटमेंट न्यूज है वो है हमारे अमृतसर से। हम बात करें तो उनकी नगर पंचायत की एक पोस्टिस आउट हुई है हमारी सफाई सेवकों की। ठीक है, सफाई सेवकों की टोटल 32 पोस्टेस आउट हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। ओके, तो उनको अपनी मतलब आपको फॉर्म भरना और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने की जो आखिरी डेट है वो है 5 जन। ये बात आपको ध्यान में रखना है, आज लास्ट डेट है। आप 3 बजे तक आप एक जो हमारा दफ्तर है नगर पंचायत का अमृतसर पर, वहां पर आप ये सबमिट करा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन। सो इसके रिगार्डिंग जो अधिक जानकारी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पर टोटल इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। आप डॉक्यूमेंट अटैच कर यहाँ पर जाकर आप सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे न्यूज की। अगर हम बात करें कुछ और प्रोसेस आउट हुई हैं चीफ केमिस्ट की, अगर हम बात करें चीफ केमिस्ट की कुछ प्रोसेस आउट हुई हैं, कौन से डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। डन। सो ये पोस्टिस एसएस नगर की हैं और टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। एक पोस्ट आउट हुई है, उनकी जो स्केल है वो आप देख सकते हो, 15600 से लेकर 39100 तक देखने को मिलेगी। प्लस जो ग्रेड पे है बहुत अच्छा है, 7600 है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है तब भी बहुत अच्छा है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि टोटल जो सैलरी होगी इसके बेस पर 85,000 पर मंथ हो सकती है। जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उनके रिगार्डिंग आप इस साइट पर जाकर देख सकते हो। डन। तो इस की लास्ट डेट एप्लीकेशन फिल करने की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट होगी वो 4 फेब होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम न्यूज, म्यूनिसिपल काउंसिल की जलंधर की कुछ प्रोसेस आउट हुई हैं, उनकी भी सफाई सेवकों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोसेस आउट हुई हैं। टोटल 28 प्रोसेस देखने को मिलेंगी। ओके, तो उनकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है कल की डेट। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। डन। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी याद रखना है कि हाँ, बस ये बात आपको कुछ डेट्स याद रखनी है। उसके बाद आपको बता दूं आगे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। जब हम बात करें सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ के लिए, तो ये डिपार्टमेंट हमारा आईटी का डिपार्टमेंट है, जिनमें कुछ प्रमोशन की पोस्टेस आउट हुई हैं। एक है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की, एक है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.spicespic.india.com। सो लास्ट डेट ऐसे अप्लाई करने की 17 जन है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात ध्यान में रखना है आपने। उसके साथ साथ आपको बताता हूँ ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज की कुछ अपॉइंटमेंट्स आउट हुई हैं, और पोस्ट है हमारी रेडियोलॉजी की। डन। उनके लिए आउट हुई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम बात करें मेडिसिन रेडियोलॉजी, इनकी जो पोस्ट पोस्टिस सीनियर रेजिडेंट के भी कुछ पोस्टिस आउट हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इनके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन जो है इस मेल आईडी पर देनी होगी, अगर कोई इस फील्ड में जाना जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक और हमें देखने को मिलेगी रिक्रूटमेंट न्यूज, वो है दयानंद मेडिकल कॉलेज की। इनकी भी अलग अलग पोस्टेस आउट हुई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बेसिस पर, पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफिसर के बेस पर। इनकी जो एजुकेशन मांगी है सॉफ्टवेयर में वो एमसीए मांगी है या बीटेक हो आपके पास, और आपको ये स्किल्स आती हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वो आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 से 3 ईयर्स का होना चाहिए। पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफिसर में आप ध्यान में रख रहे हैं, इसमें आपको एजुकेशन चाहिए, आपकी मास्टर चाहिए मास कम्युनिकेशन में, आपकी स्किल्स ये होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑरल और रिटन में। देन और इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, गुड आईटी एंड पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 से लेकर 3 ईयर्स का होना चाहिए। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की प्रोसेस के लिए वो है 15 जन। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स आउट हुई हैं वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सैनिटेशन में। डन। इनमें हम बात करें तो जो प्रोसेस आउट हुई हैं, अगर हम बात करें इस सर्कल में आउट हुई हैं, अमृतसर में, फरीदकोट में, होशियारपुर में, चंडीगढ़ में, तो संगरूर में। डन। तो इनमें आपको लेबोरेटरी में काम करना होगा, वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी में आपको काम करना होगा। टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है।
तो उनका ये उन्होंने बताया है कौन कौन सी लेबोरेटरी पर आपको की पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट मांगी गई है। एक एक पोस्ट के लिए मांगा गया है, सीनियर केमिस्ट की एक पोस्ट है, सिंपल केमिस्ट की जो है उसकी एक पोस्ट मांगी गई है। टोटल 4 पोस्टेस हैं। देन तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके लिए लास्ट डेट है वो है 4 फेब, देन 5 PM तक। देन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, एक और हमें इश्तिहार देखने को मिलेगा अगर हम बात करें लुधियाने का, है ना, समाज भलाई कम्प्लेक्स पंजाबी में बोल रहा हूँ, तो उनमें आपको ये कुछ पोस्टेस देखने को मिलेंगी। देन उसके तहत आपको ये कुछ असामीज देखने को मिलेंगी। टोटल हम बात करें इसमें आपको, ये हम बात करें चिल्ड्रन होम फेयर बॉयज में आपको टोटल 3 पोस्टेस के लिए, और काउंसलर जो 2 पोस्टेस है वो देखने को मिलेंगी। यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर के लिए एक दो पोस्टेस 3 पोस्टेस माफ करना आउट हुई है, और काउंसलर की 2 पोस्टेस आउट हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं, जो हमारे लुधियाने में समाज भलाई कॉम्प्लेक्स है वहां पर आपको कुछ पोस्टेस देखने को मिलेंगी। एक पोस्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की, देन उसके लिए 3 पोस्टेस आउट हुई है, काउंसलर की 2 पोस्टेस आउट हुई है। इनका जो क्वालिफिकेशन है और अधिक जानकारी है वो आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं, ludhiana.nic.in पर। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 4 फेब, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ मनरेगा स्कीम अधीन हम जो इश्तिहार देखने को मिलता है, टोटल 10 पोस्टेस आउट हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देन तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल की जो पोस्टेस आउट हुई है 3 पोस्टेस हैं, बाकी आपको कैटेगरी में पोस्टेस देखने को मिल जाएंगी। देन ये होंगे हमारे टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टेस हैं 10 पोस्टेस आउट हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्टेस आउट हुई है वो 2 पोस्टेस आउट हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो मनरेगा स्कीम के अधीन हमें दे पोस्टेस देखने को मिलेंगी। इसके लिए भी आओ जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है हमारी 10 जन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए, एप्लीकेशन के लिए, है ना, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, www.tarantaran.nic.in। ये थे कुछ पोस्टेस जो हमने आज डिस्कस की हैं। अगर आप में से किसी को भी नीड है जॉब की तो प्लीज आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा ही होगा। अगर आप इनमें से किसी भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपके फ्रेंड्स में किसी को नीड है जॉब की, प्लीज उनके उनको तक ये इंफॉर्मेशन जरूर बताएं। और आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी न्यूज आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।